अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है रोस्टेड चिकन, बोनलेस चिकन रोस्टेड पोटैटो। तो चलें शुरू करते हैं। चीज़ें मैंने यहाँ पे रेडी कर ली हैं। 1 kg बोनलेस चिकन मैंने लिया है क्योंकि मैंने चिकन टिक्का बनाना है, तो मैंने इसको धो के साफ़ कर लिया है। बोनलेस चिकन लेके क्यूब्स की शक्ल में इनको कटवा लें। 1 tablespoon यहाँ पे क्रश्ड गार्लिक मैंने ले लिया है, लहसुन ले लिया है। 2 tablespoon हमने यहाँ पे शामी कबाब का मसाला लिया है जो हम इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटी चम्मच थाइम, 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच सूंड, थोड़ी सी इमली मैंने यहाँ पे ले ली है, और 1 छोटी चम्मच खुश्क धनिया पाउडर लिया है मैंने, और लेमन ले लिया है मैंने। आधा लेमन हमें इसके लिए चाहिए होगा। योगर्ट हमें चाहिए होगा 2 से 3 tablespoon, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। साथ कुकिंग ऑयल हमें चाहिए होगा, मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले लिया है, और 1 pan हमें चाहिए जिसमें हमने इनको मैरिनेट करना है। 2 tablespoon मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। दही हमने ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ये पानी छोड़ देगा तो फिर हमें मुश्किल होगी आखिर में। अब मैंने दही ले लिया है। जितने खुश्क मसाले मैंने यहाँ पे लिए हैं ये हम इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर हम इसमें लीमू भी डाल देंगे। सारे खुश्क मसाले मैंने दही के अंदर शामिल कर दिए हैं। जो आधा लीमू हमने लिया था वो भी हम यहाँ पे निचोड़ लेंगे। जब भी आप रोस्ट बनाएं तो ज़रूरी नहीं है कि टिक्का मसाला ही आप यूज़ करें। जो भी मसाला आपके पास हो, जैसे मेरे पास शामी कबाब का मसाला था तो मैंने वो लिया है क्योंकि वो दरदरा सा होता है, उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का होता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। बहुत ही आसान टिक्के चिकन टिक्का हम आज बनाएंगे। सिर्फ हमने इतनी ही चीज़ें लेनी थी। अगर आपके पास थाइम ना हो तो आप सब्ज़ धनिया डाल लें, फ्रेश धनिया डालें। ये सारी चीज़ें यहाँ मिक्स हो गई हैं। अब बस इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी और उसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और हमने इसको तकरीबन कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है ताकि जो इतना मसाला है वो अच्छे से बोटियों को लग जाए और उनके अंदर जज़ब भी हो जाए। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं मेरे चिकन को मैरिनेट हुए हुए। बस मैं अब इसको फॉइल के ऊपर लगा दूंगी क्योंकि मेरी ट्रे बड़ी है, मैं इसको ओवन में डालूंगी। तो मैं क्या करूंगी कि मैं आधे में चिकन लगा दूंगी और आधे में रोस्टेड पोटैटो, तो सेम टाइम पे हमारी दोनों चीज़ें जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। चिकन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, फॉइल को हमने बंद कर देना है अच्छे से। फॉइल के किनारे हमने बंद करने हैं ताकि जो इसकी स्टीम है वो अंदर ही रहे और ये उसी के अंदर पक जाए। जब ये हमारा चिकन तैयार हो जाएगा और हम फॉइल को खोलेंगे तो उसके अंदर पानी होगा, तो वो पानी जो है हमने डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है। वो पानी हमें नहीं चाहिए होगा, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अब भी फॉइल को अच्छे से बंद कर लें। चिकन मैंने फॉइल में सेपरेट रैप करके तैयार कर दिया है। मैंने यहाँ पे आलू काट लिए हैं। आलू के छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारने क्योंकि छिलके के साथ ये ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि क्लीनिंग की ज़रूरत है वहाँ मैंने साफ़ कर लिया है इनको। अब मैं सारे पोटैटो इसके अंदर लगा दूँगी। रोज पोटैटो के लिए हमें चाहिए, वो हमें चाहिए थाइम। थाइम की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। नमक, सबसे पहले मैं नमक डालूंगी। अंदाजन आपने ऊपर नमक डाल लेना है, बाद आपने 1 छोटी चम्मच नमक डालना है। थाइम मैंने ली है, थाइम ज़रूर रखें, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है रोज चीज़ों में। मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लूंगी। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे थाइम डाल दिया है। और साथ हमें चाहिए ऑयल, कोई भी ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं। ऑयल यहाँ पे मैं इसके ऊपर डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और बस इतनी ही चीज़ें हमें चाहिए। फिर मैं इसको फॉइल को बंद कर दूंगी और फिर हम इसको ओवन के लिए तैयार कर लेंगे। अच्छे से इसके किनारे बंद कर दूँगी। दोनों चीज़ें हमारी तैयार हैं। अब मैंने इसको 180 पे रखना है टेम्परेचर पे तकरीबन 40 मिनट के लिए। चिकन हमारा बिल्कुल अंदर तक कुक हो गया है। अब इसके ऊपर हम ऑयलिंग कर देंगे। ब्रश से ऑयल लगा लें और 10 मिनट के लिए इसको कवर किए बगैर आप अंदर रखें ताकि इस पे गोल्डन कलर आ जाए। 10 मिनट के लिए कवर के बगैर मैंने इसे ओवन में डाल दिया था। ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। देखें कितना खूबसूरत हमारा तैयार हुआ है रोस्ट आलू भी हमारे तैयार हो गए हैं। सर्व करते हैं।
चिकन था टिक्का मेरा बिल्कुल तैयार है, रोस्ट पोटैटोज़ मेरे बिल्कुल तैयार है, मैंने सलाद काट लिया है। आप चाहें तो नान के साथ खाएं, चाहें तो इसको ऐसे ही खाएं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर बनाएं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।